नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गंज बासौदा नगर से महज चंद किलोमीटर दूर एक गांव विकास के लिए किस तरह तरस रहा है। ग्राम काचरौद में ना ही व्यवस्थित सड़क है, ना ही नाली। पानी निकासी की कोई व्यवस्था ना होने से सड़कों पर गंदा पानी बहता रहता है, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, ग्राम पंचायत के विकास की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग्राम पंचायत का सरपंच विकास की ओर ध्यान ना देकर भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। नाली में खच रहे हैं लोग, बाग खचती बच्ची खचती बंदर जाती हैं, लिपट जाती हैं। वो सरपंच सुनता नहीं है, बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है सरपंच, अधिकारी कर रहे हैं। कई बार शिकायत भी कर दी उसकी, कोई सुना नहीं रहा। विधायक निधि से जो हमारे इधर सीढ़ी निर्माण हुआ था, तो उसमें सरपंच ने नाली नहीं बनाई है, और हमने उससे बोला भी तो बोलता है बना देंगे। इसकी हमने दो चार बार अधिकारी से शिकायत भी की, मगर कोई नहीं सुनता। तो जो गांव का पूरा पानी है गंदा, वो उसी पैसे निकल के आ रहा है। तो मंदिर आते हैं तो सब पैर लिपट जाते हैं, बच्चे भी आ रहे हैं तो वो भी लिपट रहे हैं पैर उनके गंदे पानी में। और दूसरी चीज़, एक हरिजन मोहल्ला में जो सीसी मंजूर हुई है विधायक निधि से, उसके भी उसने पैसे निकाल लिए और सीसी नहीं कराई। ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी, विद्रोही की रिपोर्ट।